नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। केंद्रीय मंत्री तथा लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। दलित राजनीति की आवाज बुलंद करने वाला एक रहनुमा भी चला गया। खास बात ये कि साल 1990 के पिछड़ा उभर कर दौड़ कर आगे निकल रामविलास ने जिस तरह समाज के हर वर्ग से तालमेल बिठाया और दलित राजनीति को अपना आधार बनाए रखा, जाहिर तौर पर चिराग के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे समय में जब पिता का साया सिर से उठ गया तो सियासत की उस विरासत को कैसे बरकरार रखा जाए, इसके साथ ही घर के बड़े लड़के होने के साथ लोजपा अध्यक्ष के तौर पर चिराग के सामने अन्य कई चुनौतियां मौजूद होंगे। पहली चुनौती तो ये कि जिस तरह रामविलास पासवान अपने पूरे परिवार को एकजुट रखा था, अधिकतर लोग को राजनीति में लेकर आए, इस स्थिति में चिराग को अपने परिवार को समेट कर रखना और सहेज कर रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि परिवार में ज़्यादा मतभेद सामने आते हैं। चिराग के सामने दूसरी चुनौती ये होगी कि पार्टी को एकजुट रखना होगा। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने से लेकर उन्हें पिता की तरह संतुलन बिठा कर चलने वाले नेता के तौर पर अपनी पहचान बनानी होगी। अब ऐसा माना जाता रहा है कि चिराग अपने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन पिता के जाने के बाद उन पर ये जिम्मेवारी बनती है कि लोगों के सुख दुख में शामिल हों। चिराग के सामने तीसरी बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह हाल में ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था, इससे नीतीश और चिराग के बीच काफ़ी खटास दिख रही है। सीएम द्वारा हाल ही में कही गई बातों से लगता है कि आने वाले समय में वो केंद्र पर ये दबाव भी बना सकते हैं कि चिराग को एनडीए से बाहर निकाला जाए। हालांकि ये कयास है, लेकिन राजनीति समीक्षक मानते हैं कि ऐसा किसी भी आशय से निपटने के लिए चिराग को तैयार रहना होगा। चौथी चुनौती ये कि जिस तरह से पासवान बिहार की राजनीति की हर नब्ज से परिचित थे, ऐसे ही अपेक्षा चिराग से भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं करेंगे। जाहिर तौर पर रामविलास पासवान ने जिस अंदाज में बिहार की राजनीति और केंद्र की सियासत के सामने तालमेल बिठाया और दोनों को एक साथ साधा, वह काबिलियत तारीफ है। 6 प्रधानमंत्री के साथ योगदान देना और छाप छोड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। जाहिर है कि चिराग पासवान के सामने अपने पिता की इस छवि को बरकरार रखने की चुनौती भी होगी। जब से चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने, उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। पहला, झारखंड चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का, तो दूसरा, बिहार में नीतीश के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की। बिहार एनडीए से अलग होना भी चिराग पासवान का एक सराहनीय फैसला है। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।